अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन चापली कबाब। बहुत ही बढ़िया, झटपट, घर पर आसानी से बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए आधा किलो चिकन बोनलेस मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। मेरा जो कीमा हमेशा आता है ना, वो हाथ का कूटा हुआ आता है, तो बारीक नहीं रहता है। तो मैंने क्या किया, पहले तो दो तीन पानी से इसे धो के निकालने के लिए 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर रख दिया था। उसके बाद हल्का हल्का मैंने इसे निचोड़ा और जो चॉपर आता है ना उसमें मैंने चॉप कर लिया। जो चॉपर आता है ना उससे एकदम बारीक हो गया ये। आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें पीस सकते हैं मिक्सर जार के अंदर, अगर आपका हाथ का कूटा हुआ हो तो। मशीन का कूटा हुआ है तो कोई बात नहीं है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं मसाले। तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून डाला। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ना अच्छा निचोड़ लिया था कि पानी सारा निकल गया, फिर इसमें डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के टमाटरों को है ना मैंने बहुत बारीक काट लिया, लेकिन अंदर के जो बिज्जे थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं, बिना बिज्जे वाले। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। हरी मिर्ची मैंने एक ही बारीक कटी हुई ली है, आप चाहें तो दो तीन आपके हिसाब से स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, अगर आपके पास ये नहीं है तो धनिया पाउडर भी आप डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, मैंने घर में ही पीसा है इसे भी, और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, और एक छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिए। अब चिली फ्लेक्स आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून जितना मक्खन मैं डाल रही हूँ, अब ये पिघला हुआ नहीं है तो ज़्यादा ही है 1 टेबलस्पून से। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, यहाँ मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून भर कर बेसन में डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा भून लीजिएगा और फिर डाल दीजिएगा, लेकिन भर कर लीजिएगा बेसन को। ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो ढक कर आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने फ्रिज में रख दीजिए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, हाथों को तेल की मदद से ग्रीस कीजिए। एक जेनरस पोर्शन उठाइए हमारे मिक्सचर का। सबसे पहले तो बॉल बनाइएगा, बॉल बनने के बाद उसे बीच में से चपटा करते जाएं, और फिर जब अच्छा चपटा हो जाए तो साइड से है ना उसे अच्छे से शेप दे दें। अब जब ये ऐसा हो जाए और चापली कबाब हमारी बन जाए चपटी सी, तो इसे इस तरीके से साइड पर रख दीजिए। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, अब ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो बड़ी बनाना चाहते हैं, बड़ी बनाइए, तो बड़ी बनाएंगे तो कम निकलेंगे आपकी ये जो चापली कबाब। अगर आप छोटी बनाएंगे मैं जो बना रही हूँ उससे, तो और ज़्यादा बनेंगे आधा किलो में चापली कबाब। अब मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी बनी है, टोटल 7 बनी है। आप चाहें तो 8 बना सकते हैं, आप चाहें तो 7 के बजाय 6 बना सकते हैं। चलिए अब मैं इसे है ना फ्रिज में रख देती हूँ फिर से आधे घंटे के लिए, बट आप चाहें तो यहीं से प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं फ्राइंग का। चलिए आधा घंटा हो चुका है, एक फ्राई पैन के अंदर तेल डालिए, अच्छा तेल गर्म हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी ये जो चापली कबाब कच्ची जो है ये डाल दीजिए। अब ये आपके फ्राई पैन के ऊपर है, मेरे फ्राई पैन में मैं 3 डाल रही हूँ, अगर बड़ा फ्राई पैन हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक इसे मीडियम आँच पर फ्राई होने दीजिए। जब 2 मिनट हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए, फिर से 1-1.5 मिनट तक उसे इसी तरीके से पकने दीजिए। इसी तरीके से उलट पलट आगे करते हुए टोटल 6 मिनट तक इन्हें फ्राई कर लें। 6-7 मिनट के अंदर तो ये जो चिकन है ये पूरी तरीके से गल जाएगी, क्योंकि चिकन का कीमा है तो आराम से 6-7 मिनट के अंदर गल जाएगी। तो मैं इसे आगे उलट पलट करते हुए 6-7 मिनट पका लेती हूँ। इनफैक्ट मैंने तो 6 मिनट ही पकाया है, और थोड़ा सा आप देख सकते हैं कलर भी चेंज होते जाएगा, थोड़े से डार्क होते जाएंगे, तो बढ़िया मज़ा आएगा कि बाहर से हल्के हल्के क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनते हैं। इसी तरीके से बैचेस में सारे फ्राई कर लीजिए।
चलिए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। और ये 6 मिनट के अंदर तो आराम से हो जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो इन्हें निकाल कर, नितार कर मैं छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं ये वाली चापली कबाब को। और इसी तरीके से बैचेस में मैं भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बन गई हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी डिलीशियस क्विक चिकन चापली कबाब, एकदम बढ़िया है। अच्छा मैं इसे है ना, जैसे आप देख सकते हैं प्याज के रिंग्स के साथ और काकड़ी, आप चाहें तो गाजर भी थोड़ा डाल सकते हैं, सैलड का पत्ता भी साइड पर रख सकते हैं, और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर और ऊपर से डाल रही हूँ, और एक नींबू साइड पर रख के मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर सॉस के साथ सर्व करें, किसी और चटनी के साथ सर्व करें, बट मैं यहाँ पर ना जो दही वाली हरी चटनी आती है बहुत ही मज़ेदार चटपटी एकदम चटाकेदार बनती है ये वाली, इसकी रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैंने इसके साथ सर्व किया है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये भी। अच्छा हरी मिर्चियाँ और लाल मिर्ची का जो हमने चिली फ्लेक्स डाला है वो अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तो आप इसे रोटी पराठा फुलका या फिर वो जो आती है ना रुमाली रोटी उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार आज की रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अटल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।